बच्चा पार्टी अभी एग्जाम्पल 8.6 फ्रॉम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं स्टोरी। अच्छा इसका भी स्टोरी, वेइंग द अर्थ, अरे अर्थ का वजन करना है, मतलब अर्थ कितने की, तो वजन तो हम लोग तो कैसे करते हैं, वो स्केल लिया, वेइंग स्केल लिया, एक एप्पल को रखा अंदर, भाई 200 ग्राम का ले लीजा। तो हम लोग तो ऐसे ही वेट करेंगे ना, वेट कैसे करते, ऐसे ही तो करते हैं, तो अर्थ का भी ऐसे ही करे क्या, अर्थ को उठा पाएगा, ले आ जा अर्थ इतने किलो की है, जा नहीं कर सकते है ना। फिर भी उन्होंने मांगा कि आप वेट करके बताओ अर्थ का, और वो भी कितना पता है, इन टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीकों से अर्थ का मास निकाल के बताओ, अर्थ का वेट करो कितने किलो का है अर्थ। तो अब ऑब्वियस सी चीज़ है, हम जब अर्थ को पकड़ गई उस स्केल में रख नहीं सकते तो ये मेथड तो काम आएगा नहीं, तो कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स, कुछ ना कुछ फिजिक्स लगेगा यहाँ पे कि नहीं लगेगा। और फिजिक्स में क्या, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी आप जानते हो, आप सिर्फ फॉर्मूले जानते हो ग्रेविटेशन के, तो उन्हीं फॉर्मूलों में कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा। चलो इन्फॉर्मेशन को आराम से पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। चलो मेथड वन पे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ मुझसे वेट निकलता है कि नहीं। मेथड वन, डेटा क्या दिया है, जी इज इक्वल्स टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। फिर क्या दिया डेटा, रेडियस ऑफ अर्थ, अच्छा अर्थ का रेडियस दिया है तो निकल गया मेरा आंसर आ जाएगा दो मिनट में। बोलो आपको कुछ स्ट्राइक हो रहा है, क्या स्ट्राइक हो रहा है, अरे वेरी गुड, जी का ही फॉर्मूला है जिसमें अर्थ का मास आता है, कैलकुलेट करोगे मिल जाएगा, वेरी गुड। तो हो गया फर्स्ट मेथड, चलो जी इज इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब मास ऑफ अर्थ आपको निकालना है तो इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ पे लगा दो, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। अब वैल्यू रख दो, चलो रखते हैं, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी कितना दिया है 9. ये जो दिया है वही लेना है इस बार, वरना हम जनरली जी को 9.8 ले लेते हैं या 10 लेते हैं, इस बार जो दिया है वही लेना है। फिर आर ई क्या है 6.30, वरना हम तो क्या लेते थे आर ई, हाँ 6400 किलोमीटर लेते थे, लेकिन इस बार उनको ये चाहिए तो ये लेते हैं 6.37 इंटू 10^6 स्क्वायर। फिर नीचे क्या है जी 6.67 10^-11। बोलो बच्चा पार्टी मास निकला कि नहीं अर्थ का यहाँ से, तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे एप्पल को उठा के स्केल में रखा, अर्थ को उठा नहीं सकते, लेकिन फिजिक्स में उसके आंसर्स हैं। अब फॉर्मूला आपका पकड़ अच्छा है तो आप जा सकते हो आंसर तक, ठीक है। अब दूसरा मेथड, चलो पहला तो भगवान की दया से पार हो गया, दूसरा मेथड टू, उसके लिए भी डेटा को एनालाइज करते हैं ना, क्या दिया हुआ है उसके बेस पे फॉर्मूला याद आएगा तुरंत अपने को कुछ ना कुछ। चलो पढ़ो आगे क्या दिया है, द डिस्टेंस टू द मून, मून का डिस्टेंस दिया है, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द मून रिवॉल्यूशन इज 27.3 डेज। अच्छा अर्थ से मून कितना दूर है वो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, और मून का रिवॉल्यूशन टाइम मतलब कैपिटल टी दिया हुआ है। तो रुको, डिस्टेंस कितना दिया है, आप लोग सोचने लगो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है एनालाइज करके, इस डेटा को कौन सा फॉर्मूला सूट होगा, रिवॉल्यूशन टाइम 27.3, एक मिनट फॉर्मूला जाने दे मेरे को, तो डेज से ही पहले तो तकलीफ है, अपने को क्या चाहिए सेकंड, तो 575 बार सीख चुके हैं डेज को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है ना, सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे हो, इंटू आपको उस दिन भी बोला था ऐसे एक साथ मत बोला करो, इसमें क्या होता है मैं बच्चों को बहुत बार डांटता हूँ धमकाता हूँ, तो किसी बच्चे को कभी डांटा हुआ है ठीक है, उसने मन में बिठा लिया इस टकले की एक दिन बैंड बजानी है, अब आप सब एक साथ बोल रहे हो, उसी दौरान उस बच्चे ने कुछ बोल दिया मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो खुश हो गया आज तो इसको मैंने दे दी इतनी बड़ी वाली दे दी। तो ऐसे सामूहिक ग्रुपिंग में शाउटिंग करने से कोई बच्चा अपने मन की भड़ास मेरे पे निकाल सकता है जो मुझ तक पहुंचेगी नहीं, लेकिन वो खुश हो जाएगा, तो ऐसे बच्चे को मौका मत दो, एक साथ बोलो नहीं कभी ठीक है। चलो डेज को
इंटू 24 आवर्स, ओके वेरी गुड, हो गया टाइम पीरियड मिल गया। अब मास ऑफ अर्थ लाना है भैया, तो इज देयर एनी फॉर्मूला विथ सूट? हाँ रे है ना, केपलर का लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, उसमें ये मास आता है कहीं ना कहीं, कहाँ आता है देखो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अब यहाँ पे गड़बड़ किया आप लोगों ने, देख घुमाता हूँ, ये मास अर्थ का कैसे लिए रहे, मून घूम रहा है ना तो मून का मास लेंगे ना, मून तो घूम रहा है तो उसी का मास होगा ना, अपना डिसाइड हुआ था कि सर जो सेंटर पे है उसका मास आता है इस फॉर्मूले में, जो थियरी में हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, हाँ तो बराबर है, कुछ गलत है नहीं। अब इसको इधर तो ले लो ऊपर, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4π² अपॉन जी टी स्क्वायर इंटू आर क्यूब। अब मेरे को आगे नहीं करना है, कर डालो आंदोलन कि सोम सर आधा ही पढ़ाते हैं, ये रखो वैल्यू, खुद आंसर लेके आओ यार, बड़े बच्चे हो, ये बड़े बच्चे बोल बोल के सर ने इतना सारा काट पीट कर दिया है ना, चलो हो गया ना, ले लो स्क्रीनशॉट, बाय।